नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 36 ईयर्स एक लेडी का, जो पहले दुबई में जाके काम करते थे, टीचर थे। और अभी इनकी जो सवाल है कि ये कनाडा जाके काम करना चाहती है, क्या वो काम इनका सक्सेस होगा। और दूसरी इनके और कुछ सवाल है कि इनके हेल्थ कैसा रहेगा, ओवरऑल फिनेंस कैसे रहेगा, क्या बिज़नेस करने का कोई अपॉर्चुनिटी इस फार्म में है, वो भी हमें देखना है। और इनका आगे फिनेंस, आगे एसेट कैसी रहेगी ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके, क्या इनफ एसेट हो पाएगी इनकी, तो वो हम लोग देखना है, हम लोग देखेंगे। लेकिन इस फार्म आते ही कुछ हम लोगों ने पास्ट एनालिसिस किया था, तो उसको हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग इस फार्म में एनालिसिस के लिए आएंगे। तो इनके ये फार्म थी जहाँ पे मैंने इनको पूछा था फार्म आते ही। देखिए, 3 मिनट में मैंने पूछ लिया इनको, इनकी फार्म आया 7:06, मैंने इनको पूछा 7:09। तो 3 मिनट में जितना देखा जा सकता है उतनी नहीं देख के मैंने इनको दो ही सवाल पूछे थे। पहली सवाल तो मैंने ये पूछा था कि वेल आई नीड टू नो टू थिंग्स, प्लीज़ कन्फर्म, आपकी एज 31-32 के करीब आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी आपकी करियर में, ये मेरी पहली सवाल थी। और उसका जवाब आया येस, इट वॉज़ ड्यूरिंग 32-33 आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद ये बहुत बार काम कर चुके हैं लेकिन इनको फर्स्ट टाइम 32 के करीब ही, जहाँ पे मैंने पूछा था उसी एज के करीब इनको मिली थी और ये बाहर गए थे काम करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी इनके लिए ब्रेक थ्रू थी। दूसरी एक सवाल मैंने पूछा था कि दूसरी सवाल आपकी कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, तो उन्होंने कहा येस दे आर एस डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन माई हस्बैंड एंड मी मोस्टली, मतलब मैक्सिमम हम लोगों की डिफरेंट ओपिनियन ही रहती है। तो ये भी हम लोगों को मिल गई कि रिलेशनशिप में भी इन लोग की इश्यूज़ है। तो चलिए अभी हम लोग पाम में चलेंगे, पास्ट एनालिसिस हो गई है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेशन थी जहाँ से हम लोगों को मिली कि ये हो सकता था इनके साथ। तो क्या साइन दी थी वो, एक तो इनके फेथ लाइन आ रही है लाइफ लाइन से और आते आते यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बना रही है, और एक सेकेंडरी सपोर्टिंग फेथ लाइन जो होती है सिस्टर लाइन, वो भी चल रही थी मून माउंट से, यहाँ पे भी एक स्टार है और दोनों के दोनों स्टार ही करीब करीब 31-33 इस एज पीरियड में है। तो यही एज पीरियड होगी जिनको एक बहुत बड़ी करियर में सक्सेस मिलेगी, उनको भी मिली जो हम लोग पास्ट प्रेडिक्शन में हम लोगों को मिली। दूसरी रिलेशनशिप में इश्यूज़, अगर कोई लाइन हार्ट लाइन से आपकी कट के आए, इस तरह से हार्ट लाइन की ब्रांच बन के आए और माइंड लाइन में मिले, या फिर माइंड लाइन को भी काट के मार्स की तरफ चली जाए जैसी इस पाम में है ये वाली लाइन, तो ऐसे में इन लोगों की रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं। अगर और ख़राब कुछ इंडिकेशन हो और एक दो तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन इनके और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक लाइन है। और जुपिटर माउंट को अगर देखेंगे हम लोग तो जुपिटर माउंट बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा एकदम फ्लैट है, तो जुपिटर माउंट में कोई भी रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सिर्फ जुपिटर माउंट को देख के रिलेशनशिप की इश्यूज़ पकड़ते हैं वो कभी भी पकड़ नहीं पाते, लाइन को भी देखना ज़रूरी है, हर वक्त एक ही साइन से सब कुछ नहीं पता चलता है, बहुत सारे चीज़ों का बहुत सारे साइन या लाइन से हम लोगों को पता करना पड़ता है। तो ऐसे इंडिकेशन से भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं जो इनके हम लोगों को मिली थी। अभी हम लोग इनके जो सवाल है उसको ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एक बार जनरल एनालिसिस करेंगे। तो इनके पहले सवाल है कि क्या ये कनाडा जाके काम कर सकती है, तो अगर आप तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग एक बार फेथ लाइन को देख लेते हैं, इनके फेथ लाइन कहाँ से आ रही है, इनके फेथ लाइन लाइफ लाइन से ही उठ रही है और कहीं से नहीं, और सीधी सेटल मोड में जा रही है। तो इस तरह का फेथ लाइन कंफर्ट जोन को देती है, हम लोग 100 बार देख चुके हैं ऐसे, शायद मैं 50 वीडियो डाल चुका हूँ कंफर्ट जोन को लेके। तो यहाँ पे भी यही है, इनको भी अपने रिलेटिव अपने दोस्त को छोड़ के, अपने जो जगह है उसको छोड़ के बाहर जाके इनको करियर में सक्सेस मिलने वाला था, इनको मिला था और आगे भी मिलेगा। तो कनाडा में जाके काम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी उसकी, तो आपको ज़रूर जानी चाहिए कनाडा में जाके काम करना। हेल्थ, दूसरी सवाल आपने पूछा है कि हेल्थ का अगर हम लोग देखें तो आपकी लाइफ लाइन की देखिए कंडीशन देखिए, बिल्कुल ही लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लाइन मिलके जैसे कि ये लाइन बना रही है, लाइन में पूरा का पूरा ही हम लोग देख रहे हैं कि शेडो नुमा फॉर्मेशन से बनी हुई है,
लाइन बहुत मोटा है, दो तीन लाइन मिल रही है, राहु लाइन कट रही है, लाइन में ऐसे दो तीन लाइन हम लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत बड़ी शेडो है, तो ओवरऑल आपकी लाइफ लाइन की तो एनर्जी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लाइफ लाइन से जो एनर्जी मिलती है हम लोगों की, उसी में हम लोगों की इम्यून पावर को दर्शाती है, उसी के कारण हम लोगों की हेल्थ में भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन आपकी लाइफ लाइन उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाँ, मार्स लाइन है, लेकिन मार्स लाइन क्या करेगी, आपकी प्रॉब्लम होगी तब आपको मदद करेगी, तो प्रॉब्लम तो होगी उसके बाद ही तो ये मदद करने के लिए आएगी, इस तरह से मार्स लाइन है तो ये अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आने का ये इंडिकेशन है, आएगा तो भी आपकी सेहत ठीक हो जाएगी उसकी इंडिकेशन है, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी ज़रूर और मार्स लाइन उसे रिकवर करेगी, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस तो आपकी हेल्थ लाइन में है। मैं आपको एक रेमेडी दूंगा, उसे ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ लाइफ लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी अगर हार्ट लाइन को देखें तो यहाँ पे जॉब साइन है, क्लियरली जॉब साइन। हार्ट लाइन में जॉब साइन हो तो ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज़ रहती है, शुगर वाली डिजीज़ रहती है, किडनी का कोई प्रॉब्लम रह सकती है, तो ये सारे डिजीज़ आपके होने के चांसेस है। जो भी नींद ना आना, नींद में प्रॉब्लम होना, ये सारे डिजीज़ आपकी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तीसरी बात, आपकी पाम में यहाँ से एडिक्शन लाइन जा रही है और वो लाइफ लाइन को कट रही है, तो अगर आप कोई बहुत ज़्यादा की चीज़ में एडिक्शन है आपकी, तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसको आपको गैप देना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से दे, आपको गैप देना पड़ेगा, वरना ये आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर एडिक्शन लाइन लाइफ लाइन को काटती है, आपकी लाइफ लाइन यहाँ से जा रही है और इसे ये एडिक्शन लाइन काट के सीधी मून में जा रही है, तो ये आपको प्रॉब्लम देगी, तो आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक रेड कोरल जो स्टोन होती है, उसे आपकी इस रिंग फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ करीब करीब 10 से 15 कैरेट, बहुत ही ज़्यादा डीप रेड पिजियन ब्लड एक बोल के टाइप के रेड कोरल होती है, उसको पहनना पड़ेगा, उससे आपकी हेल्थ में सुधार ज़रूर आएगी। उसके साथ साथ उस स्टोन के पहनने के बाद आपकी रिलेशनशिप में भी सुधार आएगी, तो उसे ज़रूर पहनना चाहिए आपको। तो ये रही आपकी हेल्थ। आपकी फिनांस कैसी रहेगी, तो उसका हम लोग बाद में चलेंगे, फिनांस कैसी रहेगी। बिजनेस में चलते हैं, बिजनेस आपकी माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। अगर आप दे आपकी फेथ लाइन अगर यहाँ से लाइफ लाइन से ना उठ के जाती ना, तो आप इंडिया में ही किसी गवर्नमेंट जॉब का काम करते, मतलब गवर्नमेंट का कोई जॉब करते, परमानेंट करते, एकदम जहाँ से आप उस जॉब में ज्वाइन करते, एकदम रिटायरमेंट के बाद ही आप उसे छोड़ते। लेकिन आप ये कंफर्ट जोन देखे, ये आपके जो हिसाब है आपकी माइंड लाइन की, उसको थोड़ा ये मिसकैलकुलेट कर रहा है, मतलब परमानेंट जॉब आप नहीं कर पा रहे हैं, एक ही जगह में जाके पूरी ज़िंदगी भर तक जो जॉब करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, तो फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से आप जाएंगे फॉरेन में जाके काम करेंगे, तो परमानेंट काम आपका नहीं हो पाएगी। लेकिन आपकी माइंड लाइन जो दिखा रही है, जिस जहाँ पे भी आप बहुत दिनों तक काम करेंगे उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, मतलब जॉब ना चेंज करके अगर कोई कहीं पे अगर कनाडा में ही जाना चाहते हो, वहाँ पे जाके आप परमानेंट सेटल हो जाए और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया अच्छी जॉब परमानेंटली करे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो उस तरीके का जॉब आप कीजिएगा। बिजनेस जो मेन बात है, आपकी माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ऐसे लंबी माइंड लाइन वालों को बिजनेस में दो ही तरीके से सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक तो पुश्तैनी अगर कोई बिजनेस है उसको अगर आप करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, दूसरी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको करीब करीब 4-5 साल देना पड़ेगा स्ट्रगल के, उसके बाद ही आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। उससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका, बहुत आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो बिज़नेस, वो 4-5 साल तक आपका बहुत ही ख़राब जाएगा, स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर है, अगर नहीं है तो आपके लिए जॉब ही सबसे बढ़िया प्रोफेशन रहेगी, बिज़नेस नहीं। तो यह है, हम लोगों को माइंड लाइन से क्लियरली एकदम मिल रही है। तभी हम लोग ओवरऑल एनालिसिस शुरू करेंगे और आपकी जो बाकी दो सवाल है, फिनांस और एसेट कैसे हो गए, उसको हम देख लेंगे। तो आपकी अगर हम लोग थंब से शुरू करेंगे तो थंब आपकी काफ़ी लंबी है, जो जुपिटर के फास्ट फैलेंस है उसके भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो ऐसे पावरफुल थंब इंडिकेशन यही कर रही है कि आप में
या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, आपके एक बहुत बड़े पोस्ट में जाने के भी ताकत है, ये ताकत आपकी थंब आपको दिलाती है। आपकी विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा बातें करने में पसंद नहीं करते हैं, आप काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि मुझे बस अपना काम बोलो, क्या काम करना है, काम का ऑर्डर मिलते ही मैं कूद जाऊँगा काम में और काम कंप्लीट कर दूँगा। इस तरीके का आपका नेचर है, काम में ही आपका सब कुछ ध्यान रहती है। उतनी ज़्यादा बातें करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये हमें यहाँ से आपकी थंब की यहाँ से इंडिकेशन हमें मिल रही है। यहाँ पे क्लियर जॉब साइन है और ये बढ़िया इंडिकेशन होती है फिनांस के मामले में। हम लोगों को पहली इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ, आपकी फिनांस अच्छी रहेगी। अगर थंब में जॉब साइन क्लियर दिखे तो ऐसे लोगों की फिनांस अच्छी रहती है। इंडेक्स फिंगर को देखें तो बहुत ज़्यादा क्रॉक है, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाती है। आप मेहनत तो खूब करने में माहिर है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन है। तो आप एक छोटी मोटी टीम को भी लीड कर सकते हैं। अगर सुपरवाइजरी जॉब मिले या फिर एग्जीक्यूटिव का जॉब मिले, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें आपकी पाम से दिख रही है। सैटर्न की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, स्ट्रेट है, सीधी है, ये फिनांस के लिए एक अच्छी इंडिकेशन दिख होती है। ये सैटर्न की फिंगर लंबी हो, सीधी हो और किसी की फिंगर के ऊपर ना झुकी हुई हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो फिनांस पैसे कमाने में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। सन की फिंगर भी आपकी काफ़ी सीधी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो अननेसेसरी रिस्क आप लेते नहीं है, इस तरीके का आपका नेचर है। आपकी छोटी फिंगर छोटी पर गई और सन के थर्ड फ्लेंस तक नहीं पहुंच रही है, ये थोड़ी कम्युनिकेशन में वीकनेस दिखाती है, बिजनेस में भी थोड़ी बहुत वीकनेस ज़रूर दिखाती है। तो ये छोटी फिंगर से भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रही कि आप बिज़नेस करें। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा ध्यान दें, बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुआ लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, तो आपका जो ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। लेकिन आप बाहर जाके काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो अभी 4 साल हो गए आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो आपको जनरली ये हो सकती है कि कम्युनिकेशन में जो वीकनेस थी वो धीरे धीरे चला गया। अगर होगा भी थोड़ी बहुत होगी तो उसको प्रैक्टिस करने से ही चली जाएगी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे। अगर हम लोग मरकरी की माउंट देखें आपकी, तो मरकरी की माउंट में एक ट्रायंगल बहुत ही अच्छी तरह से, इतनी बड़ी ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, एक स्क्वायर साइन भी है, तो ट्रायंगल भी है स्क्वायर भी है, तो आप बहुत अच्छी एनालिसिस कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। मैथ में आप अच्छी होंगे, अकाउंट्स में आपकी अच्छी खासी नॉलेज होंगे, ये सारी इंडिकेशन आपकी यहाँ पे हमें दिख रही है मरकरी में। मरकरी में स्क्वायर भी है, तो आपको बिजनेस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कैपिटल लॉस नहीं होगा, उसकी इंडिकेशन ये दिखा रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बिज़नेस ना ही करे तो ही बेहतर है, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी इंडिकेशन मिल रही है तो उसको बताना ज़रूरी था। अगर हम लोग सन माउंट को देखें आपकी, सन माउंट में बहुत सारी लकी साइन है, एक एक करके मैं गिनता हूँ, इतनी बड़ी स्क्वायर साइन दिखा रही है कि आपकी कामकाज बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा या फिर आप खुद ही दूर दूर जाके काम करेंगे, पहली तो यहाँ पे मिल रही है। दूसरी, आपकी कभी भी जो प्रोफेशनल करियर में कभी भी आपकी जो गुडविल है वो ख़राब नहीं होगी, वो सब हमेशा अच्छी रहेगी, उसकी इंडिकेशन दिखा रही है कि सन में एक स्क्वायर साइन है। सन में एक यहाँ पे ट्रायंगल साइन है, एक मिनट हटा देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन है, यहाँ पे एक हल्की सी फिश है, हल्की सी। तो ये ट्रायंगल और फिश अगर सन माउंट में बनती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर कमाते हैं, जो आपके इस पाम में हमें मिल रही है। आपके लेफ्ट पाम को भी देखें, सन माउंट देख रहे हैं तो लेफ्ट पाम को भी देखना ज़रूरी है। लेफ्ट पाम में क्या है, लेफ्ट पाम में क्लियर फिश साइन है, एकदम क्लियर फिश साइन है और ये बिल्कुल ही एकदम बड़ी और क्लियर है। यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रही है कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो ये लकी साइन आपके दोनों के दोनों पाम के ही सन माउंट में हमें मिल रही है, तो जो दिखा रही है कि आपके एसेट तो बहुत ज़्यादा होंगे, एसेट ज़रूर करोड़ों में होंगे। उसके लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके एसेट कैसे होंगे, आपके पैसे कैसे होंगे, बहुत ही अच्छी होगी। किस एज से शुरू होगी और किस एज में जाके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ये एक इंडिकेशन है। आपको जॉब के साथ साथ कोई प्रोफेशन और भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपके सन माउंट में इस तरह से ये एक ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रही है। ये ट्राइडेंट फॉर्मेशन बता रही है कि ऐसे लोग दो तीन कामों में माहिर होते हैं, दो तीन तरीके का काम करने में सक्षम होते हैं,
तो ज़रूर आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने जो मेन प्रोफेशन होगा उसके साथ साथ कुछ और भी कीजिएगा जहाँ से आपको पैसे इनकम हो, ज़रूर होगी उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही। बहुत बड़ी ट्रायंगल और स्क्वायर साइन है यहाँ पे, इतनी बड़ी ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा एसेट दिलाती है। यहाँ पे हमें हार्ट लाइन के ऊपर इतनी ज़्यादा सन माउंट के यहाँ पे ट्रायंगल मिल रही है और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्क्वायर भी बन रही है, इतनी बड़ी स्क्वायर बन रही है। तो आपको प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी भी होगी, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन है, शायद अभी भी है और आगे चल के भी आप खुद भी बनाएंगे उसकी इंडिकेशन भी हमें मिल रही है। तो एसेट भी आपकी काफ़ी होगी। तो सन माउंट में इतनी सारी लकी साइन, फिश साइन, स्क्वायर साइन, दो दो ट्रायंगल और उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये सारे साइन से हमें पता चल रही है कि आपके एसेट और ओवरऑल फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा, कोई भी सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ करें तो यहाँ से ये हम लोगों को एक शुक्र बलय भी मिल रही है। तो शुक्र बलय अगर हो पाम में तो वो लोगों को फिनेंशियली डेवलपमेंट मिलती है, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से भी मिल रही है। सैटर्न माउंट कैसी है, दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न माउंट में क्या साइन है, सैटर्न माउंट में स्क्वायर साइन है। सैटर्न माउंट में अगर स्क्वायर साइन हो और लाइफ लाइन में प्रॉब्लम हो तो उन लोगों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशन बनती है ना लाइफ लाइन में अगर खराबी हो जाए और उसके करीब अगर सैटर्न में कोई स्क्वायर साइन मिल जाए तो हम लोग उसे न्यूट्रल कर देते हैं कि आपका तबीयत ख़राब तो ज़रूर होगा, लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। तो आपको ये स्क्वायर साइन सैटर्न में आपको बचा गई, नहीं तो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्थ में इश्यूज मिल रही थी हमें लाइफ लाइन से, हार्ट लाइन से, एडिक्शन लाइन से, तो वो आपको ये यहाँ पे सैटर्न में, यहाँ पे भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी एक हल्का सा स्क्वायर साइन है जो यहाँ पे बन रही है, तो सैटर्न में स्क्वायर साइन आपको बचा गई, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मेजर आपका हेल्थ का इश्यूज हो सकती थी। यहाँ पे भी स्क्वायर साइन है, ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और ये स्क्वायर साइन आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिलाएगी, कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेटिव से आपको प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है। जुपिटर माउंट आपकी काफ़ी बढ़िया है, खाना अच्छी बनाते हैं, जुपिटर माउंट आपकी इतनी बड़ी अच्छी है तो आपको खाना भी बहुत अच्छी तरह से बना पाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर साइन है, बहुत ही बड़ी स्क्वायर साइन है और आप टीचर हैं, तो टीचर के अगर ऐसे स्क्वायर साइन मिलते हैं तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को सिखा पाते हैं। सिर्फ टीचर ही नहीं, किसी भी के पाम में अगर जुपिटर में स्क्वायर आ जाए तो लोग अच्छी तरह से लोगों को सिखा पाते हैं, अपने अंदर जो नॉलेज है उसको दे पाते हैं, तो आपके भी ये गुण बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम लोग मिल रही है दो दो सलमन रिंग, तो धर्म के प्रति भी आपकी निष्ठा है, काम को भी किसी किसी लोग धर्म मानते हैं तो काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा निष्ठा होती है ऐसे लोगों को, तो ये सारे साइन आपके जुपिटर माउंट में हमें मिल रही है। मार्स भी आपकी अच्छी है और यहाँ पे भी स्टार साइन है, मार्स में अगर स्टार साइन हो तो पहली बात तो आप लोगों को अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर डील करते हैं उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलती है। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, ये भी यही इंडिकेशन कर रही है कि प्रॉपर्टी लेके अगर डील करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन मार्स लाइन में स्टार हो और उसके किसी भी तरह से अगर लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ हो तो हेल्थ में इश्यूज़ देती है, तो फिर से हम लोगों को हेल्थ में इश्यूज़ भी मिल रही है। तो यहाँ पे ये मार्स माउंट में मिल रही है, मार्स माउंट काफ़ी चौड़ा भी है, दोनों के दोनों मार्स माउंट काफ़ी ठीक ठाक भी दिख रही है, तो एग्रेशन भी है, डिफेंसिव पावर भी आपकी बैलेंस बन रही है, एग्रेशन और डिफेंस में काफ़ी बैलेंस दिख रही है आपके पाम में। वेनस माउंट कैसी है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट लग्जरी लाइन नहीं है, छोटी मोटी लग्जरी लाइन है, तो बहुत ही बेहतरीन लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन लग्जरी भी है ये ऐसा भी लग रही है। खड़ी लाइन भी है, ये दिखाती है कि आप जितनी तरह जिस तरह से मेहनत करेंगे उस तरह से आपको मेहनत का फल भी ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट कैसी है, पावरफुल होनी ज़रूरी है और पावरफुल है, जगह कितनी मिली है थोड़ा ये तो देखिए, इतनी ज़्यादा जगह मिली है एक मून माउंट को, तो ऐसे और अगर आप लोग ये सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि मून माउंट नीचे के नीचे गिर रही है, ऐसे मून माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाईली डेवलप होते हैं, ऐसे लोग फॉरेन जाना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, ये सारे अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के आते रहते हैं, इनको भी फॉरेन जाके काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली। लाइफ लाइन की अगर ब्रांच देखें तो यहाँ से लाइफ लाइन की ब्रांच भी मून माउंट की तरफ आ रही है, ये दिखाती है कि आपको फॉरेन का कनेक्शन है। फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है, ये भी कंफर्ट जोन दिलाती है, ये भी बाहर भेजती है, और एक सिस्टर फेथ लाइन मून माउंट से या फिर इसे लॉन्ग ट्रैवल लाइन कह सकते हैं, इसको लॉन्ग ट्रैवल लाइन मतलब बहुत दूर तक ट्रैवल करने के लाइन वो भी कहते हैं, और सिस्टर फेथ लाइन भी कह सकते हैं।
तो ये जो लाइन है ये बहुत दूर तक ट्रैवल कराती है और आपको दुबई और बाद में चल के कनाडा ट्रैवल ज़रूर कराएगी, उसकी इंडिकेशन हमें मिल रही है। ऊपर में फेथ लाइन की इस तरह से ये घूम रही है, यहाँ पे ये फेथ लाइन सन की तरफ इस तरह से घूम रही है। ये भी दिखाती है कि फ़ॉरेन जाके सेटल भी होने के चांसेस आपके बिल्कुल है। तो फ़ॉरेन जाके सेटल होना ही आपके करियर में हमें दिख रही है, शायद आप अपने कंट्री में नहीं रहेंगे, वहीं पे जाके आप सेटल हो जाएंगे, उसकी कंप्लीट इंडिकेशन हमें आपकी पाम से मिल रही है। इतने सारे इंडिकेशन हैं तो ज़रूर आप फ़ॉरेन में जाके ही सेटल होंगे और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, उसकी इंडिकेशन ही हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये रही आपकी साइन और इंडिकेशन। थोड़ा हम लोग अभी ओवरऑल आपकी मेन लाइन को एक बार देख लेते हैं, फिर से हार्ट लाइन को पहले हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। हार्ट लाइन की एंडिंग पर जुपिटर के शुरुआत में आके ही ख़त्म हो रही है। ऐसे लोग जनरली अपने हितों का ही रक्षा करते हैं और बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करना, ये सारा करना, उसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहते। आपका भी इसी तरह का रहेगा, आप भी अपने हितों का ही रक्षा करेंगे और उसको ही देखेंगे। तो माइंड लाइन का भी एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लाइफ लाइन को भी देख चुके हैं। अभी हम लोग लाइफ लाइन को थोड़ा और गहराई से अगर देखें तो लाइफ लाइन में बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही है, तो ये ब्रांचेस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केतु का फिश भी बन रही है। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद लग हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी आपकी एज है करीब करीब 36 और यहाँ पे जो मिल रही है 37 38, ये एज पीरियड रहेगी जब आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आएगी। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकती है, आप मैरिड वुमेन हैं तो आपके लिए यहाँ पे आप खुद का घर बना सकते हैं। दूसरी, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप बाहर जाके फिर से काम करें। तो नेक्स्ट ईयर में या फिर अगले साल में, मतलब 37 38 के करीब आते ही आपकी ज़िंदगी में आपको फिर से मौका मिलेगा एक दूर जाने के लिए, या फिर नए जॉब मिलने के लिए, या फिर पुराने जॉब में प्रमोशन मिलने के लिए, या फिर खुद का कोई घर बनाने का सपना भी पूरा हो सकती है। कोई ना कोई आपकी मन की जो भी इच्छा रहेगी, इसे इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं, तो वो इच्छा आपकी कंप्लीट होगी। और एक होगी करीब करीब 43 ईयर्स एज में, जो हमें यहाँ पे दिख रही है वही एक ही सेम रिज़ल्ट, जॉब, नई जॉब मिलना, नई जगह जाना, नई प्रमोशन मिलना, घर बनाना, वो भी किसी ना कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। 43 के बाद आपके करीब करीब 45 तक आपके रहेगा ट्रायंगल, उसके बाद भी ट्रायंगल, करीब करीब 60। तो 43 से लेके ही आपकी ज़िंदगी में एसेट बनाते रहेंगे, लाइफ लाइन में अगर ट्रायंगल हो तो वो भी एसेट दिलाती है। तो 43 से ही आपकी शुरू हो जाएगी एसेट बनाने की, आपकी जो आप एसेट बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा पैमाने में होगी, क्योंकि ये 43 में शुरू हो रही है और दो ट्रायंगल मिलके करीब करीब 60 ईयर तक जा रही है। तो ये करीब करीब 17 साल तक आप भरपूर एसेट बनाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें क्लियरली आपकी लाइफ लाइन से मिल रही है। केतु में फिश, ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन, और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रही है। फिश और ट्रायंगल दोनों के दोनों साइन लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट में केतु माउंट में अगर बनती है तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छी जाते हैं, पैसे के मामले में बोलिए, सुख शांति के मामले में बोलिए, हेल्थ के मामले में बोलिए, हर एक चीज़ उनके अच्छे रहते हैं लेटर एज में, आफ्टर रिटायरमेंट एज। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी, उसकी इंडिकेशन भी हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस, जहाँ पे हम लोगों को मिल रही है कि बहुत बढ़िया आपकी फिनेंशियल कंडीशन है। सन माउंट में बहुत सारी अच्छी लकी साइन हम लोगों को मिली है। बिजनेस आपके लिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। वो कब मिल सकती है, वो करीब करीब आपकी 37 38 ईयर्स एज में लाइफ लाइन में एक्सेंडिंग लाइन निकल रही है, और आपकी फेथ लाइन भी इस तरह से 37 के बाद ही इस तरह से एक सीधी टर्न ले रही है। तो उससे पहले भी अगर जाएंगे तो आपके करियर में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू और पैसे कमाने का बहुत अच्छी मौका आपको 37 38 के बाद ही मिलेगा। उसी से शुरू कीजिए, मतलब 37 प्लस जब आपकी एज हो जाएगी और आप 38 की तरफ बढ़ेंगे, तभी से आपकी ज़िंदगी में पैसे आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे उस टाइम पीरियड से ही। एक तो लाइफ लाइन से आने वाली असेंडिंग लाइन, और दूसरी आपकी वहाँ पे फेथ लाइन स्ट्रेट हो रही है, फेथ लाइन स्ट्रेट हो रही है तो उसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। यहाँ से एक लाइन आके इस तरह से सन की तरफ जा रही है, तो ये दिखाती है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसे रेंट देंगे, मतलब रिलैक्सेबल इनकम अगर कोई है तो उसको ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकती है जिसमें रॉयल्टी इनकम मिलती हो, रेंट हो, रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट हो, ये सारी इनकम में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
ये आपकी साइड इनकम रखिएगा, उससे भी आपको इनकम होगा। ये लाइन हमें यहाँ से ये इंडिकेशन ही दिखाती है। तो इसी के साथ साथ रखते हैं इस पाम के एनालिसिस, आगे एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।